आज की वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने रोहित शर्मा के वो सबसे फेमस दो फैन एनकाउंटर्स दिखाने वाला हूं जो आपने भी नहीं देखे होंगे। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि ये फैन एनकाउंटर्स जब आप देखेंगे तो आप अपने आंसुओं को रोके बिना नहीं रह पाएंगे। जिसमें जो सबसे पहला फैन एनकाउंटर है वो हमें देखने को मिला था साल 2019 में, जब आईपीएल के एक मैच के दौरान सीएसके और मुंबई आपस में मैच खेल रही थी, और मैच खत्म होने पे जब नतीजा जो है वो मुंबई के हक पे जाता है और सारे ही दर्शक मैच खत्म होने के बाद जब अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं तो देखा जाता है कि दो भाई बहन वहां पे अब भी बैठे हुए हैं। पूरा मैदान खाली हो जाने के बाद जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स उनसे कहते हैं कि आप लोग भी घर जाएं, तो वो भाई बहन ये जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम बिना रोहित शर्मा से मिले तो घर नहीं जाने वाले हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि उन भाई बहन का नाम था अभिषेक और साक्षी बुराना। उन भाई बहन को कहा जाता है कि अगर अब आप मैदान से बाहर नहीं गए तो आपको एक बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है, और उसके बावजूद भी अगर आपने जिद करी तो शायद ये गनीमत भी आ सकती है कि आपको आज के दिन जेल भी जाना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी वो भाई बहन जिद पे अड़ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोहित शर्मा से मिले बिना आज घर नहीं जाने वाले हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब फैंस ने अपनी दीवानगी की हद को पार किया है, तब तब क्रिकेटरों को उनके सामने गिव अप करना ही पड़ा है। क्योंकि जैसे ये मैटर हाथ से निकलने लगता है और जैसे तैसे ये खबर रोहित शर्मा तक पहुंच जाती है कि दो लोग आपके इंतजार में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें फाइन देना पड़े या चाहे हमें जेल भी क्यों ना जाना पड़े, हम रोहित शर्मा से मिले बिना नहीं जाएंगे, तो रोहित शर्मा ये सुनते ही उनसे मिलने के लिए आने लगते हैं। और इसके बाद हमें वो देखने को मिलता है जिसे देख के मैंने कहा कि आप अपने आंखों को नहीं रोक पाएंगे। जिसे देखने के बाद अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हैं तो भी आप ये समझ जाएंगे कि एक क्रिकेट फैन की जिंदगी भी आसान नहीं होती। क्योंकि जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसी रोहित शर्मा उन फैंस के सामने आते हैं तो वो फैंस पागलों की तरह रोने लगते हैं, उनका अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं रह जाता है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सपना देख रहे हैं कि या सच में रोहित शर्मा उनके सामने आ गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि भले ही आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं रो रहे हैं, लेकिन सच में अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये असल में इस वक्त फील क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पहली स्टोरी थी। अब मैं आपके सामने जो दूसरी स्टोरी पेश कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसे देख के तो 100% आप ये कह देंगे कि हाँ सच में मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए भी सेम कुछ ऐसा ही फील करता हूं। तो बात थी आज से लगभग एक साल पहले की। प्रांशु त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति रियलिटी शो में खेल रहे थे, और जैसा कि आपने देखा होगा कि केबीसी में अमिताभ बच्चन जो भी कंटेस्टेंट सामने बैठा होता है उससे बीच बीच में उसकी जीवन की कहानी और किस्से पूछते रहते हैं। तो इसी के चलते जब प्रांशु त्रिपाठी से भी ये पूछा गया कि थोड़ा आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि आखिर आप करते क्या हैं, आपका सपना क्या है, जो भी आप पैसे यहां से जीतने वाले हैं उसका क्या करेंगे, तो प्रांशु त्रिपाठी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो भी है वो बस क्रिकेट है। प्रांशु बताते हैं कि मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलूं, लेकिन ऐसी कुछ घर की जिम्मेदारियां आ गई कि क्रिकेट के सपने ने उन जिम्मेदारियों के तले आके दम तोड़ दिया। पर प्रांशु ये भी कहते हैं कि भले ही जिम्मेदारियां बहुत थी, भले ही क्रिकेटर बनने का जो सपना था वो भी छूट गया था, पर उसके बावजूद भी मैंने कभी भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। मैं जिंदगी में चाहे जो भी करूं लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं क्रिकेट जाके
जाके ना खेलूं। फिर इन्हीं बातों ही बातों में जब अमिताभ बच्चन प्रांशु से ये पूछते हैं कि अगर आप क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं तो आखिर आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, और इसके बाद प्रांशु त्रिपाठी जो करते हैं वो वहां बैठे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। प्रांशु त्रिपाठी कहते हैं कि मैं आपको सर बोल के नहीं बताऊंगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है या मेरा आइडल कौन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मेरी वो इंस्पिरेशन है कौन। तभी प्रांशु अपनी पैंट की जेब से अपना वॉलेट निकालते हैं और उस वॉलेट से एक फोटो निकाल के अमिताभ बच्चन की तरफ दिखाने लगते हैं, और अमिताभ बच्चन तभी चिल्लाते हैं कि ओ आप रोहित शर्मा के फैन हैं। लेकिन पता है प्रांशु इस पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर मैं फैन तो हूं ही, लेकिन उससे भी पहले रोहित शर्मा मेरे भगवान हैं और मैं रोहित शर्मा का भक्त हूं। प्रांशु ये भी बताते हैं कि मैं रोहित शर्मा के एक एक शॉट को हूबहू कॉपी करता हूं और मैं इतना ज्यादा उनको कॉपी कर जाता हूं कि मेरी कॉलोनी से लेके मेरे घर से लेके मेरे शहर में जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सब मुझे रोहित शर्मा कह के ही बुलाते हैं। प्रांशु रोहित के बारे में बात करते करते इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं, और तभी अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आपके लिए हमने कॉल का अरेंजमेंट किया है, और देखा जाता है कि दो पल के अंदर रोहित शर्मा स्क्रीन पे प्रांशु के सामने होते हैं। प्रांशु अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि साक्षात उनका भगवान उनके सामने होता है। प्रांशु के हाथ कांपने लगते हैं, उनके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। प्रांशु जैसे कुछ बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे होते हैं, पर तभी प्रांशु अपनी सीट से उतरते हैं और उनको सलाम करने लगते हैं, उनका अभिवादन करने लगते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बार बार प्रांशु कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं बोल पा रहे होते हैं। तभी अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अब तो हमने रोहित शर्मा को आपके सामने वीडियो कॉल पे ला दिया है, आप कुछ उनसे कहना नहीं चाहेंगे, आप कुछ उनसे बात नहीं करना चाहेंगे। तो प्रांशु जो कहते हैं वो सुन के मैं सच में बता रहा हूं आप उनके दीवाने हो जाएंगे, रोहित शर्मा के नहीं आप प्रांशु के दीवाने हो जाएंगे। प्रांशु अमिताभ बच्चन से बस इतना ही कहते हैं कि आप मुझे रोहित शर्मा से तो बात करने को कह रहे हैं लेकिन सर आप ही बताइए कि आखिर भगवान से कौन बात करता है। अब बात कीजिए, आ गए हैं आपके सामने। सब भगवान से कौन बात करता है। फिर क्या, प्रांशु के इतना कहते ही वहां बैठे अमिताभ बच्चन से लेके सारे दर्शक तक इमोशनल हो जाते हैं, और ये सुनते ही रोहित शर्मा कह उठते हैं कि नहीं यार मैं भगवान कहां। रोहित शर्मा भी अपने इतने बड़े फैन को देख के उसकी दीवानगी को नहीं पचा पा रहे होते हैं और बिना कुछ बोले वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ देते हैं जैसे वो थैंक्स कह रहे हो उन्हें इतना प्यार देने के लिए। रोहित शर्मा एंड में अपने ग्लव्स उनको दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं इस पे अपनी ऑटोग्राफ दे रहा हूं और ये जो ग्लव्स हैं मैं आपके पास भेज रहा हूं, साइन करके यहां पर आपके पास भिजवाऊंगा। और फिर से ये सुनते ही उनके फैन प्रांशु अपने हाथों को जोड़ देते हैं और बस धन्यवाद कहते रहते हैं। देखो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग को ये देख के कुछ ऐसा ना लगा हो कि यार इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई, लेकिन स्टिल जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं, अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसी ही दीवानगी है चाहे किसी भी क्रिकेटर के लिए हो, आप एग्जैक्टली उस फीलिंग को हूबहू समझ पा रहे होंगे। खैर जो भी वीडियो देख रहा है आज सभी लोग बताएं कि आपके लिए वो कौन एक क्रिकेटर है जिसके लिए आपके दिल में भी इसी लेवल की दीवानगी है। जैसा मैंने कहा कि जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही स्टोरीज रेगुलर देखने के लिए जैसा मैंने कहा जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।